आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 13A का सवाल नंबर 10वां। तीन धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेमी हैं, को पिघला करके एक ठोस घन बनाया गया है। किस प्रकार बने ठोस घन की भुजा ज्ञात करनी है। तीन घनों को पिघला करके एक ठोस घन बनाया गया, बड़ा घन बनाया गया है, उस बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी है। तीन ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। इन तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेमी है। तीन ठोस घनों के आयतनों का योग बराबर बड़े घन की भुजा। बड़े घन का आयतन जब इन तीन घनों को हम पिघलाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने पर एक जो आकृति है, एक बड़े घन की आकृति ले लेगी। तो तीन ठोस घनों के आयतनों का जो योग है वो बड़े घन के आयतन के बराबर है। तो पहले घन का आयतन भुजा क्यू यानी ए वन क्यू प्लस ए टू क्यू प्लस ए थ्री क्यू बराबर ए क्यू के। पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, जिसमें से ए वन 3 है तो 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू बराबर ए क्यू। ये हो जाएगा 27, 64, 125 बराबर ए क्यू। 125, 64 और 27 टोटल हो गया 216। 216 बराबर ए क्यू। 216 6 का क्यू है बराबर ए क्यू। क्यू क्यू कैंसिल कर देंगे, ए बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर बड़े घन की भुजा पूछी गई थी, तो बड़े घन की भुजा बराबर की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन जो है इन तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर है। इसके बाद सवाल नंबर 11। 1.4 सेमी व्यास वाले कंचे को 1.4 सेमी व्यास वाले कंचे को 7 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाए कि बीकर का तल जो है वो 7.5-6 सेमी ऊंचा हो जाए। बीकर में जो पानी भरा हुआ है उसमें का जो स्तर है वो 5.6 सेमी ऊपर उठ जाए। कितने इस प्रकार से कंचे डाले जाए, कितनी गोलियां डाली जाए। मान लो ये आपके पास बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, पहले से कुछ पानी भरा हुआ है, अब जब हम इसमें गोलियां डालेंगे तो गोलियां डालने पर इस पानी का स्तर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। जब गोलियां डालेंगे तो पानी का जो स्तर है वो मान लो यहां तक आ गया, तो इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई, 5.6 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु को डालते हैं, अगर पानी अगर किसी वस्तु में भरा हुआ है और उस पर अगर हम कोई चीज डालेंगे तो पानी का स्तर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो जितनी गोलियां डालते जाएंगे प्रत्येक गोली के आयतन के बराबर पानी का स्तर जो है ऊपर की तरफ उठता जाएगा। तो इस प्रकार से कह रहा है कितनी गोलियां डाली जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले 7.1.4 सेमी व्यास वाले कंचों को 7 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बीकर में
गोलियां डालनी है। तो कंचे का व्यास बराबर गोलाकार, कंचे का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। कंचे की त्रिज्या आगे बेलनाकार बीकर का व्यास, बीकर का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और बीकर में उठे हुए पानी की ऊंचाई, बीकर में उठे पानी की ऊंचाई बराबर है 5.6 सेंटीमीटर, ये एच बन जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, माना कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या बराबर एक्स है, माना 0.7 सेमी त्रिज्या के एक्स कंचे डाल दिए जाए तो बीकर का जो पानी है वो 7 सेमी व्यास वाले बीकर में 5.6 सेमी पानी ऊपर उड़ जाएगा। तो एक्स कंचों का आयतन, एक्स गोलाकार कंचों का आयतन बराबर बीकर में उठे हुए पानी का आयतन, एक्स गोलाकार कंचों का आयतन बराबर बेलनाकार बीकर में उठे पानी का आयतन। तो यहां पर एक्स गोलाकार कंचे है तो एक्स इंटू गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। गोले का आयतन 4/3 πr³, एक गोले का आयतन है तो इस प्रकार से कितने गोले डाले गए हैं, एक्स गोलियां डाली गई हैं, तो एक्स गोलियों का आयतन हो जाएगा बराबर है बेलनाकार बीकर में उठे पानी का आयतन बराबर पाई, बेलन की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान ली और ऊंचाई एच हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ से सबसे पहले पाई से पाई को कैंसिल कर दो, तो एक्स इंटू 4/3 × 0.7³ बराबर 7/2² × 5.6, ये 3 का गुणा उसके साथ हो जाएगा और ये 2 का गुणा इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू 4/3 × 0.7 × 0.7 × 0.7 बराबर 7/2 × 7/2 × 5.6। तो x बराबर 7 × 7 × 5.6 × 3 2 × 2 × 4 0.7 0.7 0.7 1, 2, 3 0 हटा दो, 3 दशमलव हटा दो, यहाँ से 1 दशमलव का काट जाएगा, बचेंगे कितने 2, 2 में से 4 तो यहाँ पे 0 हटा दो। ठीक है, अब इसको काट लो, 1 7 से 1 7 को निपटाओ, दूसरे 7 से 2 7 को निपटाओ, 7 × 7 = 56, 8 × 8 = 4×8। ठीक है, और ये 2 से काट दो, कितने बार कट जाएगा 150 बार। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 150। उस बीकर में कितने कंचे डाल दिए जाए, 150 कंचे डाल दिए जाए तो पानी का जो स्तर है वो 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाएगा। तो इसने कंचों की संख्या आ गई, एक दो कंचों की संख्या बराबर एक सौ पचास कंचे उस पानी में डाल दिए जाए, उस बीकर में डाल दिए जाए। इसके बाद अगला नंबर है 12। एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर × 6 मीटर है, आधार टैंक का आधार है, लंबाई 11 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है।
यदि पानी को त्रिज्या 3.5 मीटर बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हम इस बेलनाकार बर्तन में अगर हम पानी को पहुंचा दें तो आपका जो घनाकार टंकी है उसके तल की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, पानी कितना रह जाएगा, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो घनाकार टंकी में पानी की माप जो है वो आपकी है 11, 6 और 5, 11 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 5 मीटर। 11 मीटर लंबी टंकी है, 6 मीटर चौड़ी है और 5 मीटर ऊंचाई तक उस पर पानी भरा हुआ है। तो पहले घनाकार टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। घनाकार टंकी का आयतन बराबर LVH 11 इंटू 6 इंटू 5, 11, 25, 55 और 55 में गुणा कर दो 6 का, तो 6, 5, 30 और 6, 5, 30, 3, 33 इतने मीटर क्यूब पानी भरा हुआ है उस टंकी में, ठीक है। फिर इस टंकी का जो पानी है वो बेलनाकार टंकी में क्या करना है, स्थानांतरित करना है, डालना है। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर बेलनाकार टंकी। यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इस पानी को हमें बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित करना है, तो उस टैंक की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। तो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या बराबर 3.5 मीटर, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या बराबर 3.5 मीटर। तो बेलनाकार टैंक का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच डैश कर लो, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई एच मान चुके हो तो यहाँ पे एच डैश यहाँ पर आ जाएगा 22/7, 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच डैश 7×35, 22×1 = 10, 11 आ जाएगा, 11×25 = 55, 11×23 = 33, 33 और 5 हो जाएंगे 38 एच डैश मीटर क्यूब। तो उस बेलनाकार टंकी का आयतन कितना है और इसके बाद घनाकार टंकी का आयतन आपका जो पानी भरा हुआ है इतना है। ये पानी जो है इस पानी को क्या कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है। तो यानी कि इस पानी का आयतन इस पानी के आयतन के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर घनाकार टंकी के पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टैंक के पानी का आयतन, ये दोनों बराबर है। क्योंकि ये पानी इस पानी में डाला गया, इस टैंक में डाला गया, तो दोनों के आयतन बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 330 बराबर 38.5 एच डैश, तो एच डैश बराबर हो जाएगा 330/38.5, 0 बढ़ा लो, ठीक है। 5 से काट लो, 5×35 बचे 3, 5×35 और यहाँ पर 5 से काटोगे 5×30, 5×30 660, 11 से काट लो 11×70 और 11×66 एच डैश बराबर हो जाएगा 60/7, 57/56 बच्चे हमारे 4, 4/7 मीटर। उस बेलनाकार टैंक में 8×4/7 मीटर ऊंचाई तक पानी भर जाएगा।
इसके बाद 13वां सवाल है, एक बेलनाकार भवन का ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार क्या बनी हुई है? गुंबद बनी हुई है, और उसमें से उपस्थित हवा का आयतन 41 सही 19 बटे 21 घन मीटर है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है, जो गुंबद का व्यास है वो कुल ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बेलनाकार भवन का ऊपरी सिरा जो है वो आपका अर्धगोलाकार, इसका जो व्यास है वो कुल ऊंचाई के बराबर है, तो इसका व्यास हमने मान लिया 2r, ठीक है, इसका व्यास क्या मान लिया 2r। बेलनाकार भवन के आधार का व्यास बराबर 2r, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 2r/2 बराबर 8 मीटर। और कह रहा है कि संपूर्ण भवन की ऊंचाई इसके व्यास के बराबर है, तो संपूर्ण ऊंचाई ऊंचाई व्यास के बराबर है, तो ये भी 2r हो जाएगी। तो देखिए ये r आपकी निकली है, ये त्रिज्या r हो जाएगी, इसकी ऊंचाई भी r हो जाएगी, और पूरी संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 2r है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 2r-r बराबर 8 मीटर, ठीक है। तो बेलनाकार भवन के आधार की व्यास हमने मान लिया कि माना बेलनाकार भवन के आधार का व्यास बराबर 2r, तो त्रिज्या हो जाएगी 2r/2 बराबर 8 आ जाएगी, और संपूर्ण ऊंचाई आपकी 2r है, जिसमें से ये r त्रिज्या निकल जाएगी, तो बाकी शेष बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी 8 मीटर, ठीक है। अब इसमें हवा भरी है, तो हवा माने क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, तो भवन का आयतन बराबर बेलनाकार भवन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोलार्ध का आयतन। भवन का आयतन जो है वो बेलन का आयतन प्लस गोलार्ध के आयतन के बराबर है, और भवन का आयतन दिया गया है 41 सही 19 बटे 21, 41 सही 19 बटे 21 बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू। इसको तोड़ोगे 21 एकम 21 21 चौक 84, 84 2 हो जाएंगे 86, 19 जोड़ दोगे 10 8 880, 880/21 बराबर पाई आर स्क्वायर, और इनटू एच माने भवन की जो ऊंचाई है बेलनाकार भवन की ऊंचाई वो भी क्या है आर है, और प्लस 2/3 पाई आर की, तो 880/21 बराबर पाई आर क्यू प्लस 2/3 पाई आर क्यू, 880/21 बराबर 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3πr³ प्लस 2πr³ ये हो जाएगा 5πr³। 880/21 बराबर 5πr³/3, 3 × 3 21, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 880/7 5×22/7 × r³, तो ये बटेंगे, ये 7 से 7 काट दो, 22 × 22 22 × 4 48 65 40, तो r³ बराबर आ गया r, तो r³ बराबर हो जाएगा 2 का q काट दो, r बराबर 2 मीटर। भवन की जो त्रिज्या है
वो 2 मीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2 मीटर है, त्रिज्या आपकी सबके सब 2 मीटर है, कह रहा है तो भवन की ऊंचाई बताइए। तो भवन की ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई भवन की कितनी है, 2R है। तो भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर 2R है, 2 × 2 = 4 मीटर, 4 मीटर भवन की ऊंचाई बताइए।